इस पृथ्वी पर एक मिरेकल दुनिया में कितने न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं जो हमारे शरीर और हमारी बॉडी को चलाते हैं। प्रोटीन मसल्स पावर से हमारा शरीर चलता है। विटामिन शरीर के सारे भागों के लिए काम करता है, चाहे इंक्लूड का विटामिन काम करते हैं उसके लिए। हर तरह के न्यूट्रास्यूटिकल हमारी को बनाते हैं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल पर्टिकुलर जिस चीज के लिए होते हैं उसी चीज के लिए काम आते हैं। प्रोटीन मसल्स के लिए होता है तो मसल ही बनाए। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ेगी। विटामिन ई पर्टिकुलर तीन चीजों के लिए काम करता है, चमड़ी के लिए काम करता है, बालों के लिए काम करता है, तो उन्हीं के लिए काम करेगा। लेकिन एक ऐसा केमिकल जो शरीर के सारे भागों पर काम करे, दैट इज द गामा ओरिजिनोल। ये क्या है पहले इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। आज के 75 साल पहले इस गामा ओरिजिनोल को जापान के लोगों ने ढूंढ के निकाला। ये हिस्ट्री सारी मिलेगी, इसलिए मैं कुछ बोलूं तो मेरे पे बिलीव मत करना, तुरंत जाके रिसर्च करना। 75 साल पहले गामा ओरिजिनोल को ढूंढ के निकाला जापान के लोगों ने। जब इंडिया के लोग चावल की खेती कर कर भूसे को जला देते थे, गाय को खिला देते, भूसे में से तेल निकालकर साबुन बना लेते थे, जब यहां की साइंस इतनी परिपूर्ण नहीं थी, जापान के लोगों ने इस परिपूर्ण से गामा ओरिजिनोल को निकाल दिया। छिलके यानी भूसी के अंदर एक परत होती है जिसे ब्रान बोलते हैं। ब्रान में निकलने वाला न्यूट्रास्यूटिकल, उससे तेल निकाला जाता है। तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान गामा ओरिजिनोल निकलता है। तो राइस ब्रान जो ऑयल है WHO के अनुसार अभी सबसे परफेक्ट दुनिया का खाए जाने वाला तेल है। किसी भी तेल को खाइए, मूंगफली का खाइए, सरसों का खाइए, तिल का खाइए, हर चीज के प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। डॉक्टर तेल को हमेशा बदल बदल कर खाने की ही सलाह देगा। किसी भी डॉक्टर के पास